मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। डीजीसीए ने कंफर्म टिकट के बावजूद यात्रा से रोकने पर एयरलाइंस को चेताया, कहा सिविल एविएशन रेगुलेशन का पालन करें विमानन कंपनियां। संस्कृत विश्वविद्यालय भी कराएंगे बीए बीएससी की पढ़ाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बहुविषय केंद्र के रूप में तब्दील होंगे विश्वविद्यालय। किचन पर महंगाई की मार, एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े। दिन भर चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद देर रात घर पहुंचे तेजिंदर बग्गा, कहा किसी से डरने वाले नहीं। गिरफ्तारी की कहानी, तेजिंदर बग्गा की जुबानी, आतंकवादियों की तरह घसीट कर बाहर लाए, पिता के साथ भी हुई मारपीट। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, हरदोई के एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का प्रदेश सरकार पर हमला, बोले भाजपा शासन में पुलिस थाने बन गए अपराध और अन्याय के अड्डे। यूपी में 23 पीसीएस अधिकारी और आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन, रिक्तियों के आधार पर नियुक्ति विभाग का प्रस्ताव। 91 परिसर में सर्वे के दौरान वाराणसी में वकीलों ने कमीशन को मस्जिद के अंदर जाने से रोका। अखिलेश से नाराज और भाजपा से मायूस, प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल ने किया पार्टी का पुनर्गठन, घोषित किए फ्रंट संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष। क्यूबा की राजधानी हवाना के होटल में जोरदार विस्फोट, 18 लोगों की गई जान। राष्ट्रपति पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड एलिना का नाम यूरोपियन यूनियन की प्रतिबंध लिस्ट में शामिल। श्रीलंका में एक बार फिर लागू किया गया आपातकाल, सरकार विरोधी प्रदर्शनों से निपटने के लिए राष्ट्रपति ने की घोषणा। विश्व में खाद्य और ईंधन के संकट को देखते हुए रूस को प्रतिबंधों से मिल सकती है राहत, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने दिए संकेत। बोरिस जॉनसन की पार्टी को लंदन के निकाय चुनाव में मात, विपक्षी दल लेबर पार्टी ने बहुमत के साथ हासिल की जीत। मुंबई की रोमांचक जीत, मुंबई के ब्रेब्रोन स्टेडियम में गुजरात को मिली लगातार दूसरी हार। शुभमन गिल का खुलासा, अंधविश्वास था अगर सीनियर गुरकीरत मान के बल्ले से खेला तो खूब रन बनाऊंगा। चोटिल टाइमल मिल्स की जगह ट्रिस्टन स्टब्स मुंबई इंडियंस टीम में हुए शामिल। हैदराबाद के हार के बाद पॉइंट टेबल में आया बड़ा बदलाव, गुजरात अब भी टॉप पर बरकरार। टी20 क्रिकेट में तेज गेंदबाज खलील अहमद ने पूरे किए 100 विकेट, हैदराबाद के खिलाफ हासिल की उपलब्धि। कियारा आडवाणी संग ब्रेकअप के बीच बंगाली एक्ट्रेस ट्रीना साहा के साथ रोमांस करते नजर आए सिद्धार्थ मल्होत्रा, वीडियो देख फैंस हुए हैरान। राष्ट्रभाषा विवाद में कूदे जावेद जाफरी, कहा अजय देवगन की तरह मुझे भी पहले लगता था कि हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा है। राणा तिग्गुबाती की फिल्म विराट पर्वम का ऐलान, 1 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। शाहरुख खान के घर बड़ी हस्तियों ने की शिरकत, एक्टर को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान।
लाल सिंह चड्ढा को लेकर आमिर खान का बड़ा खुलासा, बोले 14 साल का संघर्ष पूरा। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।